प्रेगनेंसी के दौरान सभी के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि उनका गर्भस्थ शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक उसी प्रकार कुछ आदतें भी ऐसी होती हैं गर्भवती महिलाओं की जो खास तौर पर बेबी बॉय या बेबी गर्ल कंसीव करने पर दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही एक आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को होती है तो उनका गर्भस्थ तो शिशु एक लड़का होता है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला को ये कहा जाता है कि उन्हें लेफ्ट करवट कर ही सोना है। और लेफ्ट करवट कर जब गर्भवती महिला सोती है तो शिशु को ऑक्सीजन और पोषण अच्छी मात्रा में पहुंचता है जिससे शिशु हेल्दी होता है। साथ ही गर्भवती महिला को भी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत सी समस्याओं में आराम मिलता है जैसे कि गैस, सीने में जलन या फिर एसिडिटी। इसलिए आपकी प्रेगनेंसी अगर चल रही है तो ऐसे में आपको लेफ्ट करवट कर ही सोना चाहिए। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान सोने की। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सोने की पोजीशन से भी आप ये आइडिया लगा सकती हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला लेफ्ट साइड ज्यादा करवट कर सोती है, उन्हें लेफ्ट साइड ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है सोने में, तो ये माना जाता है कि गर्भस्थ शिशु एक लड़का है। वहीं अगर गर्भवती महिला को राइट साइड ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है सोने में, वो ज्यादातर राइट साइड ही सोती हैं, तो गर्भस्थ शिशु एक लड़की मानी जाती है। हालांकि इसका साइंटिफिक आधार कोई भी नहीं है, लेकिन ये बातें हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी साबित होती हैं। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।